तुर्की को लगता है कि कुर्दिश थके हुए घोड़े हैं और वह इनके गले में रस्सी डालकर काबू में कर सकता है, पर उसे यह समझना भी जरूरी है कि थके हुए घोड़े अन्य जानवरों से फिर भी बेहतर होते हैं। सवाल यह है कि क्या तुर्की पिछले एक दशक से इसी प्रतीक्षा में था कि कब अमेरिका सीरिया से अपना बिस्तर समेटे और वह उत्तरी सीरिया के आसमान में अपने विमान उड़ाकर धूल का गुब्बार उठाए। तुर्की इस जोश में यह क्यों भूल गया कि जिन कुर्दिश को उसने आज अपने विमान से निशाना बनाया वह अमेरिका को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने बड़ी शान से ऑपरेशन पीस स्प्रिंग की घोषणा की, जिसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दी। यानी इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका और तुर्की में ठनने जा रही है, जबकि अमेरिका की परवाह किए बिना तुर्की ने कहा है कि उनका मिशन दक्षिणी सीमा पर आतंक के लिए कॉरिडोर तैयार होने से रोकना और क्षेत्र में शांति लाना है। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां जहां इस्लाम है वहां शांति की बात करना गधों के बीच में शत्रुमुख को खड़े करने जैसा है। इस्लाम और शांति का कोई मेल नहीं है। यदि ऐसा होता तो अमेरिका आज दुनिया में इस्लाम से जंग ना लड़ रहा होता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वैश्विक आतंकवाद का प्रमाण पत्र लेने वाले इस्लाम के लोग ना होते। पर यहां तो मामला तुर्की और अमेरिका के बीच उलझने जा रहा है। तुर्की ने पानी के जहाज बनाने में थोड़ा नाम क्या कमाया, वह भी मोम के पंखों से उड़ान भरना चाहता है। खास बात यह है कि अमेरिका के धुर विरोधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एर्दोगन से सोच समझकर फैसला लेने की बात कही है, जिसका मतलब यह है कि वह कुर्दिशों पर तुर्की के हमले के खिलाफ है। यानी तुर्की अकेला पड़ता जा रहा है और अमेरिका यही चाहता है। तुर्की द्वारा हमले में अब तक 7 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, सैकड़ों नागरिक घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने कुर्दिशों पर हुए इस हमले को गैर जिम्मेदाराना बताने के साथ उसे हद में रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि तुर्की ने आगे से ऐसा दुस्साहस किया तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में कुर्द अमेरिका के मुख्य सहयोगी रहे हैं। सीरिया को आईएस से मुक्त कराने में उन्होंने अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। अमेरिका द्वारा कुर्दिशों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ हथियार भी मुहैया कराए गए हैं। वैसे यह मुस्लिम देशों की खासियत रही है कि इनको जरा सी ताकत मिलती है तो यह मदीने की रियासत के ख्वाब देखने लगते हैं। यानी इन्हें लगता है कि दुनिया अभी तक 7वीं शताब्दी में जी रही है। मतलब यह चरमपंथी इस्लामिक दुनिया को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। इमरान न्याजी जैसे फंटर वजीर आजम इसके प्रतीक हैं, जिन्होंने मदीना रियासत के नाम पर 7 गज लंबा चौका बनवाकर खूंटी पे लटका रखा है। दुनिया के लिए यह संतोष की बात है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर इनके झांसे में नहीं है। अगर अमेरिका के स्थान पर कोई मुस्लिम देश रहा होता तो दुनिया की क्या हालत होती, उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इससे यह आभास भी होता है कि इस्लाम शांति का कितना संरक्षक है। जिहाद की पैदावार यहीं से होती है, जो पूरी दुनिया को दूषित करती है। फ्रांस का एक दुखद उदाहरण गत सप्ताह देखने को मिला। एक व्यक्ति 4 महीने पहले इस्लाम ग्रहण करता है और फिर 4 निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना लेता है। अमेरिका क्या कर रहा है सबको आभास है। चरमपंथ को चरमपंथ के द्वारा ही खत्म किया जा रहा है। इनका इलाज भी यही है। ऐसे लोग जहां भी रहते हैं वहां शांति होगी यह नामुमकिन है। इसलिए कुर्द जाए या तुर्क, पलटा बराबर रहना चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।